वेलकम बैक दोस्तों, मूवी का नाम है सेवन और एक तेलुगु प्लस तमिल लैंग्वेज मूवी है। मतलब ये मूवी साइमल्टेनियसली तेलुगु प्लस तमिल में शूट की गई है और इसके बाद में कन्नड़ में डब की गई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो क्या बोलूं मैं इस मूवी के बारे में, क्या ये एक लव स्टोरी है या रिवेंज ड्रामा या सस्पेंस थ्रिलर, इस मूवी में सब कुछ है। पहले मैं आपको इस मूवी का छोटा सा समरी बताता हूँ, सुनिए। एक लड़की अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। वो लड़की उस पुलिस ऑफिसर से अपनी कहानी बताने लगती है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इस लड़की से पहले भी एक और लड़की पुलिस स्टेशन में आई थी अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, और इन दोनों का पति भी एक ही होता है। और कुछ दिनों बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि इन दोनों लड़कियों की तरह एक तीसरी लड़की भी है और उसका पति भी मिसिंग है। तो मैं और ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता। फाइनली मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच फुल वीडियो। बहुत ही मजेदार स्टोरी है और इस मूवी का एंडिंग देख के आपके तो होश ही उड़ जाएंगे और कुछ लोगों को हंसी आएगी और कुछ लोगों का दिल और गुर्दे दोनों पिघल जाएंगे। तो चलिए बिना टेमेज के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप नहीं जाए नए तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत में ही एक घर को दिखाया जाता है और इसे देख के हमें ऐसा लगता है कि आज दिवाली है, जहां पर एक बच्ची खेल रही होती है और एक अनजान बंदा आकर उस बच्ची को मार देता है। उसके बाद वो अनजान बंदा घर के अंदर जाता है जहां पर एक लड़की होती है, वो बंदा इस लड़की को भी मार देता है और अंदर जाता है तो एक बंदा सामने आता है, वो उसे भी मार देता है और यहां पर ये सीन कट होती है। दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो घबराती हुई पुलिस स्टेशन आती है और तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आता है और ये इंस्पेक्टर उस लड़की को देख के बदमाशी करने लगता है। तो इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और ये लड़की उस इंस्पेक्टर पर ऊंची आवाज में बात करने लगती है और ये आवाज सुनकर अंदर से एसीपी बाहर आता है और इसका नाम है विजय। और विजय उस लड़की को अपने कैबिन में बुलाता है और इस लड़की का नाम होता है रम्या। और रम्या विजय से कहने लगती है, सर मेरा पति कुछ दिनों से मिसिंग में है। तो विजय रम्या से उसके पति की फोटो पूछता है तो रम्या उसी तरह अपने और अपने पति की फोटो विजय को दिखाती है। उसके बाद विजय रम्या से उसकी कहानी बताने के लिए कहता है तो रम्या उसी तरह से अपनी कहानी विजय को बताने लगती है। इस तरह से सीन फिर से कुछ महीनों पहले शिफ्ट होता है, जहां पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है कार्तिक, जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा होता है। और आज कार्तिक को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसी ऑफिस में रम्या भी काम कर रही थी, लेकिन ये दूसरे डिपार्टमेंट की होती है और तभी पहली बार रम्या कार्तिक को देखा था। एक दिन दो लोग रम्या की गाड़ी को ठोक देते हैं और ऊपर से ये दो लोग रम्या पर चिल्लाने लगते हैं और तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और रम्या को किसी भी तरह से बचा लेता है। खैर लड़ाई वगैरह खत्म होने के बाद बाद में कार्तिक को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रम्या कार्तिक के ऑफिस में ही काम करती है। उसके बाद रम्या कार्तिक को फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है तो कार्तिक उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये चीज रम्या अपने फ्रेंड को भी बताती है कि कार्तिक ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से ये दोनों फेसबुक के थ्रू चैट करने लगते हैं और धीरे धीरे नंबर शेयर होने लगते हैं, ये दोनों कॉल में बात करने लगते हैं। और जब एक दिन ये दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो रम्या इन दोनों की सेल्फी लेती है और दूसरे दिन रम्या की फ्रेंड रम्या से उसका फोन लेके वो फोटो देख लेती है और ये देखकर रम्या की फ्रेंड रम्या को चिढ़ाने लगती है कि कार्तिक का और रम्या का चक्कर चल रहा है। लेकिन रम्या अपने फ्रेंड और अपने कुलीग से कहने लगती है कि हम दोनों में ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा। लेकिन धीरे धीरे कार्तिक और रम्या ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दिन ऑफिस की तरफ से ये दोनों गोवा जाने वाले थे और रेलवे स्टेशन के पास रम्या कार्तिक का बहुत इंतजार करने लगती है और उसी तरह कार्तिक को फोन करने लगती है, लेकिन उस वक्त ना कार्तिक आता है ना उसका फोन लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट पर आता है जहाँ पर विजय रम्या से कहने लगता है, रुको रुको रुको, अब यहाँ से मैं ये कहानी कंटिन्यू करूँगा, तुम सुनती जाओ। तो रम्या कहने लगती है, ये कैसा हो सकता है सर, आप मेरी कहानी कैसे जानते हो। तो विजय कहने लगता है, तुम्हारी कहानी में रम्या लेकिन मेरी कहानी में जन्नी। जन्नी अपने बॉयफ्रेंड का मतलब कार्तिक का रेलवे स्टेशन पर बहुत इंतजार करती रही, उसे कॉल करती रही, लेकिन कार्तिक की तरफ से कोई भी रिप्ले नहीं आता, उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। तो रम्या विजय से पूछने लगती है, ये जन्नी कौन है सर, मेरा नाम रम्या है सर। तो विजय कहने लगता है, अब यहाँ से कहानी मैं सुनाऊंगा, तुम सुनो। तो कार्तिक ना आने की वजह से जन्नी अपना दिल छोटा करके वहाँ से चली जाती है और गोवा आने के बावजूद भी जन्नी खुश नहीं रहती, वो हर हमेशा कार्तिक को फोन करती रहती, लेकिन कार्तिक का फोन स्विच ऑफ में ही रहता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद कार्तिक खुद जन्नी को कॉल करता है। कार्तिक की आवाज़ सुनने के देरी जन्नी कार्तिक को बहुत डांटने लगती है, लेकिन कार्तिक कहने लगता है, जन्नी प्लीज मेरी बात सुनो, एक्चुअली ना आइन टाइम पे मेरी माँ की तबीयत खराब हो चुकी थी और दो दिन से मैं हॉस्पिटल में ही हूँ
और इसी चक्कर में मैंने अपना फोन को भी भूल गया। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को मिस करने लगते हैं और दो दिन के बाद जेनी वापस हैदराबाद आ जाती है और कार्तिक से मुलाकात करती है और यहाँ पर जेनी कार्तिक को प्रपोज करने लगती है और ये सुनने के बाद कार्तिक भी जेनी को अपने गले लगा लेता है। उसके बाद एक दिन कार्तिक का बर्थडे होता है और जेनी ये चाहती है कि जेनी कार्तिक को पहला विश करे, इसलिए जेनी कार्तिक को अपने घर ले जाती है और यहाँ पर एक सॉन्ग चलने लगता है और इसी सॉन्ग के दरमियान में ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी जेनी कार्तिक से कहने लगती है, कार्तिक अब नहीं, ये सब शादी के बाद। तो कार्तिक कहने लगता है, अच्छा तुम्हें शादी करनी है। ऐसा कहते हुए कार्तिक अपने हाथ में जो रिंग होती है वो निकाल के जेनी को पहना देता है। लो शादी हो गई। उसके बाद एक दिन जब कार्तिक किसी पार्टी में होता है तो कार्तिक को ये बात पता चलती है, जो यूएस जाने का प्रोजेक्ट इसे आने वाला था वो किसी और को चला गया। ये सुनने के बाद कार्तिक बहुत जेलस फील होने लगता है और खूब सारी शराब पीने लगता है। शराब पीने के बाद कार्तिक वहाँ पर हंगामा खड़ा करने लगता है, लेकिन जेनी आकर उसको रोक देती है और कार्तिक को अपने गाड़ी में बिठाकर अपने अपार्टमेंट लाती है। घर के अंदर आने के बाद कार्तिक जेनी से कहने लगता है, तुम जानती हो ना जेनी, मेरा तो सपना था यूएस जाऊं, लेकिन आज वही सपना मेरा टूट गया। अब मैं ये जॉब करके क्या करूं? तो जेनी कहने लगती है, मैं समझ सकती हूं कार्तिक, अगर तुमने अचानक से जॉब छोड़ दी तो हमारा ईएमआई का क्या होगा? क्या मैं अकेले खुद इन सारे ईएमआई को पे करूं? तो कार्तिक जेनी की बातों का उल्टा मतलब निकालने लगता है। वो जेनी से कहने लगता है, अच्छा तो तुम मेरे पैसों के लिए मुझे प्यार कर रही हो, हटो तुम यहाँ से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। कार्तिक की ये बात सुनने के बाद जेनी बहुत अपसेट हो जाती है और वो फौरन अपने कमरे में जाकर रोती हुई सो जाती है और इस तरफ कार्तिक नीचे ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो जेनी कार्तिक को अपने घर में ढूंढने लगती है, लेकिन कार्तिक उसके घर में नहीं होता। उसके बाद जेनी कार्तिक को फोन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नॉट रिचेबल होता है और जेनी के घर में एक काम वाली औरत काम करती रहती है। वो औरत जेनी की माँ के समान होती है। बेचारी जेनी अपना दुख उस औरत से शेयर करते हुए रोने लगती है। खैर कुछ दिनों बाद फाइनली जेनी पुलिस स्टेशन आती है कार्तिक की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो जेनी की ये कहानी सुनने के बाद रम्या विजय से कहने लगती है, सर आप तो एग्जैक्टली वही कह रहे हो जो मेरी लाइफ में हुआ है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है सर, आखिरकार ये जेनी कौन है? तो विजय रम्या को हॉस्पिटल ले जाता है जेनी को दिखाने के लिए और यहाँ पर जेनी विजय से सवाल करने लगती है कि मेरा पति मिसिंग हुए 6 महीने बीत चुके हैं और आपने अभी तक मेरे पति को ढूंढा नहीं। और उसी हॉस्पिटल में एक जर्नलिस्ट होता है और इसका नाम है जयकांत, जो हर एक हॉट टॉपिक पर इसकी नज़र होती है। खैर इसके बाद विजय कार्तिक के ऑफिस जाता है कार्तिक के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कार्तिक का कोई अता पता नहीं होता और इवन दो एक क्लू भी पुलिस के हाथ नहीं लगती। और तभी एक कॉन्स्टेबल विजय से कहने लगता है कि सर अगर हम कार्तिक की फोटो हर जगह पर छपवा दे तो कुछ हेल्प मिल सकती है। तो पुलिस उसी तरह से जगह जगह पर कार्तिक की फोटो छपवा देती है। खैर दूसरे दिन एक बूढ़ा बंदा पुलिस स्टेशन आता है और विजय से कहने लगता है, सर मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसका नाम कार्तिक नहीं है सर, इसका नाम कृष्णमूर्ति है और कृष्णमूर्ति और मैं ये दोनों बचपन के दोस्त है। तो विजय कहने लगता है, तुम तो ठहरे बूढ़े आदमी और वो तो ठहरा नौजवान, तुम दोनों कहाँ से बचपन के दोस्त हुए वे? लेकिन ये बंदा विजय से वही बात कहने लगता है, नहीं सर मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, कृष्णमूर्ति मर के फिर से जिंदा हुआ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये बंदा पागल है और पागल खाने से भाग के यहाँ पर आया है। खर्च के बाद एक दिन जेनी फिर से पुलिस स्टेशन आती है और अपने पति के बारे में पूछने लगती है। तो विजय जेनी को और कुछ फोटोग्राफ दिखाकर जेनी से कहने लगता है कि तुम्हारा पति एक फ्रॉड है, उसने चीटिंग की है। और तभी पुलिस वालों को एक और न्यूज मिलती है कि ऐसा ही केस चेन्नई में हुआ है। तो उस केस के बारे में जानने के लिए विजय फौरन चेन्नई जाता है और पता नहीं इस लड़की का क्या नाम होता है, एक्चुअली ये लड़की बोल नहीं सकती, गूंगी होती है। और ये लड़की अपनी ही लैंग्वेज में विजय को अपनी कहानी बताने लगती है जो सेम रम्या और जेनी की जैसी ही होती है और इस लड़की का पति भी कार्तिक ही होता है। खैर इस लड़की से बयान लेने के बाद विजय का कांस्टेबल विजय को कॉल करके ये बताता है, सर कल जो हमारे पुलिस स्टेशन में एक बंदा आया था ना पागल बंदा, किसी ने उस आदमी का कत्ल कर दिया सर, बहुत ही बेरहमी से। ये जानने के बाद विजय फौरन हैदराबाद मेंटल हॉस्पिटल आता है और सच में किसी ने इस आदमी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया एंड देर इज नो क्लू। जब पुलिस इस आदमी के बक्से में चक्कर दी है तो वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं और उन फोटोग्राफ्स में कार्तिक की जैसे ही एक फोटो होती है, लेकिन ये फोटोग्राफ्स 1980 के होते हैं। खैर जब विजय अपने घर आता है तो उसी वक्त एक बंदा विजय को कॉल करके बताता है, सर जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हो
वो बंदा रेलवे स्टेशन में है सर, आप फौरन आ जाइए। जब विजय और उसकी टीम उस रेलवे स्टेशन जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन किसी जगह पर एक टूटा हुआ फोन होता है और इसे देखकर विजय अंदाजा लगाने लगता है कि शायद कार्तिक वहाँ पर बैठा होगा और फोन करने वाले ने विजय को फोन किया होगा और उसकी बात शायद कार्तिक ने सुन ली होगी और कार्तिक ने उस आदमी को कुछ किया होगा। उसके बाद विजय उस रेलवे स्टेशन से बाहर आता है और वहाँ के जो कैब ड्राइवर्स होते हैं ना, उनसे पूछताछ करने लगता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि अभी अभी एक बंदा कैब लेकर यहाँ से गुजरा है। जब विजय और उसकी टीम उसी कैब की तलाश में जा रहे होते हैं तो इत्तेफाक से विजय की कार के सामने ही वो कैब होती है। पुलिस उस कैब को फॉलो करने लगते है और थोड़ी देर बाद सारे पुलिस वाले उस कैब को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सच में उस कैब में कार्तिक ही होता है जो छुपते हुए भाग रहा होता है। विजय कार्तिक को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारने पीटने लगता है, लेकिन कार्तिक का यही कहना होता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं इनोसेंट हूँ। खैर थोड़ी देर बाद जेनी पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को रोकने लगती है कार्तिक को मारने से और कार्तिक से पूछने लगती है, कार्तिक तुम इतने दिन कहाँ पर थे। तो जेनी को देखते ही कार्तिक विजय से पूछने लगता है, सर ये लड़की कौन है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रम्या आती है और रम्या भी कार्तिक से यही सवाल करने लगती है। रम्या को देखने के बाद कार्तिक रम्या से पूछने लगता है, आखिरकार आप दोनों कौन हो, मैं आप लोगों को नहीं जानता। खैर उसके बाद विजय कार्तिक को पूछताछ करने के लिए बिठाता है, जहाँ पर कार्तिक विजय से कहने लगता है, सर मेरी बात मानिए, मैं उन दोनों लड़कियों को नहीं जानता और जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो ऑफिस में आपको जरूर दिखा सकता हूँ। तो विजय पहले जेनी के घर ले जाता है और कार्तिक से पूछने लगता है, क्या तुम इस एरिए को जानते हो। तो कार्तिक कहता है, नहीं सर। और अफकोर्स गेट के पास एक वॉचमैन होता है तो वो वॉचमैन कार्तिक को देखते ही उसे सलाम करने लगता है। तो इसे देखकर विजय कार्तिक से पूछने लगता है, तो वो तुम्हें कैसे जानता है। उसके बाद विजय कार्तिक को उसके ऑफिस ले जाता है, जहाँ पर कार्तिक के फ्रेंड्स का भी यही कहना होता है कि कार्तिक रम्या और जेनी को जानता है। खैर कुछ दिनों बाद कार्तिक को कोर्ट में पेश किया जाता है और जज कार्तिक से सवाल करने पर कार्तिक जज साहब से कहने लगता है कि सर मुझे इस केस में जानबूझ के फंसा रहे हैं और सर प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपने लॉयर हायर करके आपको सारे सबूत पेश करूंगा। यह सुनने के बाद जज पुलिस को ऑर्डर देता है कि वो फिर से कार्तिक को अपने कस्टडी में ले ले। उसके बाद दूसरी सीन में एक और लड़की पुलिस स्टेशन आती है और ये लड़की विजय से कहने लगती है, सर मेरा पति मिसिंग में है। तो विजय पूछने लगता है, आपके पास आपके पति की फोटो है। तो ये लड़की अपनी और कार्तिक की फोटो विजय को दिखाने लगती है और उसी तरह अपने दोनों की पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड सारे सबूत विजय के सामने पेश करने लगती है। और एक्चुअली इस लड़की का नाम होता है प्रिया। थत यहाँ पर एक शादी नहीं हुई और इस बंदे ने चार चार शादी कर ली। खैर उसके बाद विजय प्रिया से पूछने लगता है, आपका पति कितने दिन से लापता है। तो प्रिया कहने लगती है, कल से सर। यह सुनने के बाद विजय और उस कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं, मतलब पिछले एक हफ्ते से कार्तिक विजय के कस्टडी में है। खैर उसके बाद विजय प्रिया को कार्तिक के पास ले जाता है उससे मिलवाने के लिए और कार्तिक प्रिया को देखते ही मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसी वक्त प्रिया पुलिस के पास से गन लेकर कार्तिक पर फायर करने लगती है। पहली गोली तो नहीं लगती लेकिन दूसरी गोली कार्तिक के शोल्डर पर लगती है और तीसरी गोली चलाने से पहले पुलिस प्रिया को रोक लेती है। उसके बाद क्या था, कार्तिक हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है और नींद में भी कार्तिक प्रिया 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 कहकर उसका नाम जपने लगता है। और इस तरफ विजय प्रिया से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने कार्तिक को मारने की क्यों कोशिश की। तो प्रिया कहने लगती है, उसे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है सर, अगर वो जिंदा रहा तो और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और हाँ सर, मैं आपसे झूठ बोला कि एक्चुअली कार्तिक कल से मिसिंग नहीं है। इस तरह से कहते हुए प्रिया विजय को अपनी कहानी बताने लगती है कि प्रिया और कार्तिक की लव मैरिज हुई थी, कुछ दिनों तक ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन कार्तिक ने जॉब छोड़ने की बात की और उसी वक्त से इन दोनों के बीच लड़ाइयां होती रही और गुस्से में आकर एक दिन प्रिया को छोड़ के कहीं पर चला गया। इस तरह से प्रिया विजय को अपनी कहानी बता रही होती है और तभी वो कांस्टेबल विजय के पास आकर ये कहने लगता है, सर कार्तिक हॉस्पिटल से भाग चुका है। और इस तरफ पुलिस कार्तिक को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहाँ से जर्नलिस्ट जयकांत गुजरने लगता है और वो कार्तिक को भागते हुए देख लेता है तो पुलिस की हेल्प करने के लिए जयकांत कार्तिक को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर ही रहूंगा। लेकिन कार्तिक जयकांत से कहने लगता है, सर प्लीज मुझे छोड़िए, इस केस के रिलेटेड मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत है, वो मैं आपको दूंगा। ये सुनने के बाद जयकांत कार्तिक को अपनी बजाज बाइक में बिठाकर वहाँ से फरार होने लगता है और उसके बाद जयकांत कार्तिक को किसी जगह पर लाता है और इन दोनों के बीच यहाँ पर काफी सारी कन्वर्सेशन होने लगती है और फाइनली ये दोनों ये डिसाइड होते हैं कि पहले ये दोनों उन तीनों लड़कियों को पकड़ना होगा। हालांकि कार्तिक उन तीनों लड़कियों को नहीं जानता
और इस तरफ विजय कार्तिक की तलाश में होता है तो विजय को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि वो तीनों लड़कियां अपने अपने घर में मौजूद नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद विजय सोचने लगता है कि शायद कार्तिक ने ही उन तीनों का किडनैप किया होगा। खैर इस तरफ पुलिस स्टेशन में प्रिया का लॉयर आकर प्रिया को बेल दिलवाता है। मैडम प्लीज आप मेरे साथ आइए, कार्तिक सर ने आपको बुलाया है। खैर रात होने के बाद कार्तिक और जयकांत ये दोनों रम्या के घर के बाहर पहरा दे रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद रम्या अपने घर की दीवार कूद के बाहर आती है क्योंकि रम्या के घर के दरवाजे के पास पुलिस पहरा दे रही होती है। तो पुलिस से बचने के लिए रम्या दीवार कूद के बाहर आती है और ये चीज कार्तिक देख लेता है और ये दोनों रम्या को फॉलो करने लगते हैं और रम्या बचे दो लड़कियों के पास जाती है और उसी वक्त वहाँ पर कार्तिक और जयकांत आते हैं और इन तीनों लड़कियों को देखकर जयकांत फौरन अपना कैमरा निकालकर उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये तीनों लड़कियों का और कार्तिक का कोई लेना देना नहीं है और ये तीनों लड़कियाँ जानबूझ के कार्तिक को इस मामले में फंसा रही है। खैर यहाँ पर इन पांचों के बीच बहुत हाथापाई होती है तो फाइनली कार्तिक के हाथ में गन आ जाती है और इन तीनों लड़कियों से पूछने लगता है, बताओ तुम लोगों ने मुझे क्यों फंसाया। इस तरफ वो लॉयर प्रिया को किसी जगह पे लाता है और उसे कहने लगता है, मैडम आप प्लीज बैठिए, थोड़ी देर में कार्तिक सर आने वाले हैं। और तभी वहाँ पर प्रिया की जो कामवाली होती है वो औरत वहाँ पर आती है और प्रिया को जूस देते हुए उसे कहने लगती है, प्रिया बेटा पहले तुम जूस पी लो, मैं सब कुछ तुम्हें समझाऊंगी। इस केस का और कार्तिक का कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली कार्तिक बेकसूर है, बेगुनाह है, लेकिन कार्तिक के साथ जो हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और इस तरफ कार्तिक किसी कमरे में जाता है, वहाँ पर एक डायरी होती है, उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब इस तरह से वो कामवाली प्रिया को एक कहानी सुनाने लगती है और वही कहानी कार्तिक उसी डायरी में पढ़ रहा होता है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है इन द ईयर ऑफ 1980 जहाँ पर एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है और उसी गाँव में एक लड़की होती है और इसका नाम होता है सरस्वती और सरस्वती एक जमींदार की बेटी होती है, मतलब उस गांव का साहूकार। उसी गांव में एक बंदा रहता है जिसका नाम है कृष्णमूर्ति और एक्चुअल से कृष्णमूर्ति एक आर्टिस्ट होता है, स्टेज पर वो नाटक करते रहता है। सरस्वती कृष्णमूर्ति को बहुत प्यार करती रहती है, प्यार नहीं बल्कि कृष्णमूर्ति इसकी जान होती है। सरस्वती कृष्णमूर्ति को इतना प्यार करती है कि सरस्वती कृष्णमूर्ति के बगल में किसी और लड़की को इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती, हालांकि वो नाटक हो या तो फिर रियल लाइफ। सरस्वती को डायरी लिखने की आदत होती है, वो छोटी सी छोटी बात अपनी डायरी में लिखा करती थी और सरस्वती किसी भी तरह करके कृष्णमूर्ति को पाना चाहती है। इसके लिए सरस्वती ने एक प्लान बनाया। एक दिन सरस्वती ने अपने आप को खत लिखा एज ए कृष्णमूर्ति की तरह, मतलब टू सरस्वती फ्रॉम कृष्णमूर्ति, और चोरी चुपके सरस्वती उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया और दूसरे दिन पोस्टमैन सरस्वती को उसका ही खत ला के देता है और सरस्वती नाटक करते हुए उस पोस्टमैन से कहती है, आप थोड़ा मुझे पढ़ के सुनाएंगे। तो वो पोस्टमैन स्टार्टिंग के दो लाइंस पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ रहता है, मेरी प्रिय सरस्वती। ऐसा कहना ही था सरस्वती उस पोस्टमैन को चुप करा देती है और उस पोस्टमैन से कहने लगती है, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना। अब बंदा ये पोस्टमैन है तो वो पोस्टमैन गांव भर में ये बात फैला देता है कि कृष्णमूर्ति और सरस्वती का चक्कर चल रहा है। ये देखकर सरस्वती बहुत खुश होती है, मतलब समझे आप उस जमाने में भी रूमर्स हुआ करते थे। और सरस्वती हर हमेशा कृष्णमूर्ति को अपने पास इमेजिनेशन करती रहती है, ये सोचते हुए काश कृष्णमूर्ति मेरे पास होता। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कृष्णमूर्ति किसी और लड़की से प्यार करता रहता है, उस लड़की का नाम होता है भानु। एक दिन कृष्णमूर्ति और भानु ये दोनों चेंजिंग रूम में रोमांस कर रहे होते हैं और ये चीज चोरी चुपके सरस्वती देख रही होती है और तभी वहाँ पर कृष्णमूर्ति का फ्रेंड कृष्णमूर्ति को आवाज देते हुए वहाँ पर आता है और सरस्वती नाटक करते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आती है और वेंकट को देखकर ये शर्माने लगती है। और जब वेंकट कृष्णमूर्ति के पास आता है तो कृष्णमूर्ति को चिढ़ाने लगता है, क्यों भाई क्यों, अंदर कोई और ड्रामा चल रहा है। तो कृष्णमूर्ति ये समझने लगता है कि शायद वेंकट को भानु के बारे में पता चल चुका है और उसी के बारे में वेंकट कृष्णमूर्ति को चिढ़ा रहा है। और दूसरे दिन वेंकट कृष्णमूर्ति के फादर को सरस्वती के बारे में बताने लगता है कि कृष्णमूर्ति और सरस्वती ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खैर उसके बाद कृष्णमूर्ति का फादर और कृष्णमूर्ति का फ्रेंड ये दोनों सरस्वती के फादर के पास जाते हैं कुछ नाटक के बारे में बात करने के लिए और इसी बातों ही बातों में सरस्वती का फादर कृष्णमूर्ति की शादी के बारे में बात करने लगता है और कृष्णमूर्ति का फादर ये समझने लगता है कि सरस्वती का फादर सरस्वती और कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है।
उसके बाद एक दिन सरस्वती का फादर सरस्वती की डायरी पढ़ लेता है और सरस्वती को अनाप शनाप बकने लगता है। लेकिन सरस्वती अपने फादर से कहने लगती है, प्लीज पिताजी मेरी और कृष्णमूर्ति की शादी करवा दीजिए, मैं कृष्णमूर्ति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसकी बिना नहीं जी सकती। लेकिन सरस्वती का फादर सरस्वती से कहने लगता है, हम ठहरे जमींदार लोग और वो ठहरा नाटक वाला, वो मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, मैं इस बात के लिए हरगिज मानूंगा नहीं और मेरे जीते जी तो हरगिज नहीं। अपने फादर की बात सुनने के बाद सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और अपने फादर से कहने लगती है, तो फिर मरो। ऐसा कहते हुए सरस्वती अपने फादर के पैर उठा देती है और बेचारा सरस्वती का फादर ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है और सरस्वती नाटक करते हुए नीचे आती है और अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। उसके बाद एक दिन कृष्णमूर्ति का फादर सरस्वती के पास आता है और उससे कहने लगता है, तुम अपने आप को अकेला मत समझो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने ये डिसाइड किया है कि जल्द से जल्द तुम्हारी और कृष्णमूर्ति की शादी करवा दे। वहाँ से कृष्णमूर्ति का फादर कृष्णमूर्ति के पास आता है और कृष्णमूर्ति से कहने लगता है, उस लड़की के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अब उसका सहारा तो हम ही बन सकते हैं ना। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति ये समझ रहा होता है कि इसका फादर भानु के बारे में बात कर रहा होगा, ये क्या है आपको आगे पता चलेगा, और कृष्णमूर्ति शादी के लिए राजी हो जाता है। खैर उसके बाद शादी की तैयारी होती है और कृष्णमूर्ति दूल्हा बन के बैठा होता है और तभी उसकी नज़र सरस्वती पर पड़ती है। इसे देखकर कृष्णमूर्ति के होश ही उड़ जाते हैं और अपने फादर और अपने फ्रेंड से पूछने लगता है, ये लड़की कौन है पापा, इस लड़की को मैं जानता नहीं। कृष्णमूर्ति का फादर कृष्णमूर्ति से कहने लगता है, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, सारा गांव जानता है कि तुम और सरस्वती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये सुनने के बाद कृष्णमूर्ति अपने फादर और गांव वालों से कहने लगता है, अगर ये बात सच है तो इस लड़की से कहो कि भगवान पर कसम खा के कहे। और सरस्वती बिना हिचकिचाए भगवान पर कसम खाती है कि कृष्णमूर्ति और सरस्वती ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद क्या था, कृष्णमूर्ति के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो कृष्णमूर्ति सरस्वती को मंगलसूत्र पहना देता है। और जब इन दोनों की पहली रात होती है तो सरस्वती कृष्णमूर्ति से माफी मांगने लगती है, लेकिन कृष्णमूर्ति सरस्वती से नाराज ही रहता है। लेकिन तभी उस कमरे में कृष्णमूर्ति आता है और सरस्वती को ऐसा करते हुए देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब उस वक्त सरस्वती कृष्णमूर्ति को इमेजिनेशन कर रही थी, हालांकि वहां पर कोई कृष्णमूर्ति नहीं था, असली कृष्णमूर्ति तो बाद में उस कमरे में एंटर होता है। ये देखने के बाद कृष्णमूर्ति सरस्वती से कहने लगता है, ये लड़की खुद तो पागल हो और तुम सारे गांव को पागल बना के बैठी हो, रुको मैं अभी तुम्हारा पर्दाफाश करता हूँ। और इसी बातों ही बातों में सरस्वती कृष्णमूर्ति से अपना सच बताने लगती है कि सरस्वती ने कृष्णमूर्ति को पाने के लिए इसने अपने खुद के फादर को मार दिया और उसी तरह सरस्वती भानु की फैमिली को भी मार दिया था, लेकिन इत्तेफाक से भानु बच गई। और इसीलिए जब कृष्णमूर्ति का फादर उस लड़की के बारे में कहा था तो कृष्णमूर्ति भानु के बारे में समझ रहा था। खैर ये सब जानने के बाद कृष्णमूर्ति को और गुस्सा आता है और वो उस कमरे से बाहर जाता है सारे गांव वालों को सच बताने के लिए, लेकिन सरस्वती भीड़ से नाटक करने लगती है। सरस्वती अपने आप को जख्मी कर लेती है और बाहर आकर गांव वालों से कहने लगती है कि कृष्णमूर्ति ने ही सरस्वती को जख्मी किया। यह देखने के बाद सारे गांव वाले कृष्णमूर्ति को मारने पर उतर जाते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति वहां से भागने लगता है और भागते भागते कृष्णमूर्ति किसी हाइट पर आकर पहुंचता है और सरस्वती कृष्णमूर्ति से कहने लगती है, कृष्णमूर्ति अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम पीछे जाओगे तो खाई में गिर जाओगे, अगर तुम मुझे ना कहकर सामने जाओगे तो गांव वाले तुम्हें मार देंगे, अच्छाई इसी में है कि तुम मुझे अपना लो। लेकिन कृष्णमूर्ति उस पहाड़ी से नीचे पानी में जंप लगा देता है। सारे गांव वाले सुबह तक कृष्णमूर्ति की लाश को ढूंढते रहे, लेकिन कृष्णमूर्ति का कोई अता पता नहीं होता। खैर एक दिन कृष्णमूर्ति का फादर और कृष्णमूर्ति का फ्रेंड सरस्वती के घर आते हैं, जहाँ पर ये दोनों ये देखते हैं कि सरस्वती कृष्णमूर्ति को इमेजिनेशन करते हुए उसे खाना परोस रही होती है। और कृष्णमूर्ति का फादर कृष्णमूर्ति के फ्रेंड से कहने लगता है, ये देखो मेरी बहू का क्या हाल हो चुका है, अब इसे कौन समझाए कि कृष्णमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर उसके बाद एक दिन कृष्णमूर्ति का फ्रेंड सरस्वती के पास आता है और उस वक्त सरस्वती कृष्णमूर्ति को इमेजिनेशन करते हुए अपने गोद में सुला रही होती है और कृष्णमूर्ति के फ्रेंड से कहने लगती है, धीरे से बात करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो सो रहे हैं। यह सुनने के बाद कृष्णमूर्ति का फ्रेंड सरस्वती को ऊंची आवाज में बताने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कृष्णमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। यह सुनने के बाद सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो कृष्णमूर्ति के फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल वाले आकर सरस्वती को मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस तरह से सरस्वती वहां पर 10 साल तक अपनी जिंदगी गुजारती रही और 10 साल के बाद सरस्वती ठीक हो जाती है
और सरस्वती बिना अपने गांव गए वो किसी दूसरे गांव में टेंपल में लोगों की सेवा करती रहती है। और तभी उसी वक्त सरस्वती को उसी टेंपल में कृष्णमूर्ति नजर आता है एक बच्ची के साथ। और उसी तरह कृष्णमूर्ति के साथ भानु भी होती है, जिसका मतलब है कृष्णमूर्ति नहीं मरा और ये तो भानु के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये जान लेने के बाद उसी दिन रात सरस्वती कृष्णमूर्ति के घर जाती है। पहले वो कृष्णमूर्ति की बेटी को मार देती है, उसके बाद घर में अंदर जाकर भानु को मार देती है, उसके बाद वो कृष्णमूर्ति को भी मार देती है। और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सरस्वती और कोई नहीं, प्रिया के घर में जो काम वाली थी ना, वो सरस्वती यही है। एक दिन बूढ़ी सरस्वती किसी टेबल के पास बैठी थी तो उस वक्त सरस्वती ने कार्तिक को और प्रिया को शादी करते हुए देखा और बूढ़ी सरस्वती यह सोचने लगी कि कृष्णमूर्ति अभी भी जिंदा है। उसके बाद सरस्वती प्रिया के घर जाती है, वहाँ पर काम करने लगती है, इन दोनों के बारे में जानने लगती है। और वहीं पर सरस्वती को कार्तिक की फैमिली की फोटो नजर आती है, जिसका मतलब कार्तिक का फादर और कोई नहीं कृष्णमूर्ति होता है और सरस्वती ने सिर्फ बेटी को मारा था, बेटे को नहीं। इसीलिए सरस्वती अब कार्तिक को भी मारना चाहती है। रुको, जरा सबर करो, और झटके है इस मूवी में। खैर, इस तरफ कार्तिक के पास पुलिस आ जाती है और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जयकांत एक्चुअली विजय का ही आदमी होता है। उसके बाद विजय इन तीनों लड़कियों से सवाल करने लगता है, बताओ तुम लोगों ने कार्तिक को कैसे फंसाया और तुम सरस्वती को कैसे जानती हो। तो ये तीनों लड़कियाँ अपनी कहानी बताने लगते हैं कि एक्चुअली ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स है और जेनी के बर्थडे पर ये तीनों कहीं पर घूमने गए थे। वहाँ पर कुछ लोग इन तीनों पर रेप अटेम्प्ट किया, लेकिन तभी वहाँ पर सरस्वती और उसका कूता आता है और इन तीनों लड़कियों को बचा लेते हैं। वहाँ से बचने के बाद रम्या सरस्वती से पूछने लगती है, थैंक यू माँ जी, आपने तो हमारी जान ही बचा दी, अगर हो सकता है हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज बताइए। तो सरस्वती इन तीनों से कहने लगती है, नहीं बेटा छोड़ो, जो मैं चाहती हूँ वो आप लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन रम्या कहने लगती है, नहीं माता जी प्लीज आप बताइए। तो यहाँ पर सरस्वती एक झूठी कहानी इन तीनों लड़कियों को बताने लगती है कि सरस्वती की एक बेटी है और एक बंदे ने इसकी बेटी की जिंदगी सर्वनाश कर दी और सरस्वती उस लड़के को मारना चाहती है, मतलब कार्तिक को मारना चाहती है। इस तरह से एक झूठी कहानी इन तीनों को बताने लगती है और जब से लेते हुए वो तीनों लड़कियां कार्तिक को फॉलो करती रही और ये तीनों लड़कियां जानबूझ के कार्तिक के ऑफिस में ज्वाइन हुई और वहां पर ये तीनों लोग एक रूमर क्रिएट किया कि कार्तिक इन तीनों लड़कियों से प्यार करता है। एक्चुअल से उस ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और अपने प्लान के मुताबिक ये तीनों लड़कियां विजय के पास गए कार्तिक की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। और एक्चुअल से वो फोटोज वगैरह थी वो भी फेक थी। और इसी तरह उस बूढ़े आदमी को और किसी ने नहीं सरस्वती ने ही मारा था, जो एक दिन विजय के पास आया था, पागल आदमी, उसी को। इस तरह से सरस्वती अपनी रिवेंज की कहानी प्रिया को सुना रही होती है तो प्रिया अपनी आंख बंद कर रही होती है, क्योंकि जब प्रिया यहाँ पर आई थी तो सरस्वती ने प्रिया को एक जूस दिया था तो उसमें कुछ मिला के प्रिया को पिला दिया। वाह क्या राइमिंग है, प्रिया को पिला दिया। खैर, उसके बाद सरस्वती के पास एक फोन होता है, वो कार्तिक को कॉल करके यहाँ पर बुलाती है, अगर प्रिया जिंदा चाहिए तो तुम फौरन यहाँ पर आओ। और फोन कट करने के बाद सरस्वती प्रिया को किसी जगह पर छुपा देती है। प्रिया को छुपाने के बाद सरस्वती टिप टॉप से रेडी होने लगती है, जैसा लगता हो कि इसका कृष्णमूर्ति इसे देखने आ रहा हो। और तभी थोड़ी देर बाद कार्तिक और विजय की टीम वहाँ पर आती है और सरस्वती शर्माते हुए कार्तिक की तरफ आगे बढ़ने लगती है। खैर, यहाँ पर मैं ज्यादा लैग नहीं करना चाहता। सरस्वती पुलिस के पास से गन ले लेती है कार्तिक को मारने के लिए, लेकिन पुलिस सरस्वती पर फायर कर देती है और फाइनली सरस्वती प्रिया का पता ना बताते हुए वो अपने आप को गोली मार लेती है। और मरते मरते भी सरस्वती अपने कृष्णमूर्ति को याद करने लगती है, अपने पुराने दिन याद करने लगती है। इस तरह से सरस्वती एक लवली मौत मर जाती है। उसके बाद कार्तिक और विजय की टीम उस फैक्ट्री में प्रिया को ढूंढने लगते हैं तो फाइनली प्रिया मिल जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। रियली, कोई प्यार इतना भी हद से ज्यादा कर सकता है? वाह, प्यार करो तो सरस्वती जैसा। खैर, मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।